हेलो बीटीएस आर्मी। तो जैसा कि आप सब जानते हो, पिछले कुछ टाइम पर बीटीएस को लेकर काफी सारी नई नई बातें हमें देखने को मिली हैं, और उनमें से एक काफी फेमस रूमर जो आजकल वायरल हो रही है ना, वो धर्म के ऊपर है, यानी रिलीजन के ऊपर, जहां पर कहा जा रहा है कि बीटीएस के मेंबर एक छोटी सी धार्मिक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो कि लोगों को मिसगाइड करता है। और ये इल्जाम हाइप के ऊपर और बीटीएस की यूनिवर्सिटी के ऊपर भी लगा है कि वो कई सारे केपॉप आइडल को अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाकर उन्हें इस कल्चर को प्रमोट करने के लिए आगे भेज रहे हैं। लेकिन ये पूरी बात क्या है और ये धान वर्ड क्या है, ये सब कुछ जानने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो। तो अगर आप एक बीटीएस आर्मी हो तो पिछले कुछ दिनों में आपने दाहन वर्ड के बारे में तो सुना ही होगा। इस वर्ड को काफी यूज किया जा रहा है और हर जगह ये बोला जा रहा है कि हाइप और बीटीएस का इससे कनेक्शन है। ये एक छोटा सा कम्युनिटी रिलीजियस मेडिटेशनल ग्रुप है और बीटीएस के भी इससे कनेक्शन है। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि दाहन वर्ड एक कल्चरल टर्म है जिसका मतलब होता है एक ऐसे कम्युनिटी के लोग जो मानते हैं कि भगवान और इंसान में कोई भी फर्क नहीं है। यही नहीं बल्कि उनका ये भी मानना है कि भगवान और इंसान के बीच में ना इंटरकनेक्टेडनेस है, यानी एक तरीके से इंसान और भगवान एक ही है। ये काफी ज्यादा अजीब सा ग्रुप है जो कि इस धर्म को प्रमोट करता है। और दोस्तों, रिसेंटली पता चला है कि हाइप भी इस धार्मिक संस्था के साथ इन्वॉल्व थे और उन्होंने बीटीएस का इस्तेमाल करके लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी। वैसे तो देखा जाए कि हाइप ने इस बात को पूरे तरीके से डिनाई कर दिया है। उन्होंने बोला है कि उनका कोई भी मतलब नहीं है ऐसी किसी कम्युनिटी से और वो केपॉप आइडल्स को मैनिपुलेट नहीं करते। लेकिन पता चला है कि ग्लोबल साइबर यूनिवर्सिटी, यानी वो यूनिवर्सिटी जिससे बहुत ही सारे केपॉप आइडल्स ने अपनी डिग्री ली है, स्पेशली बीटीएस ने भी ली है, वो धान वर्ल्ड के फाउंडर इची ली की ही है। साथ ही साथ इसके बाद और ज्यादा स्पेकुलेशन शुरू हो गई है हाइब और बीटीएस की इस कम्युनिटी ग्रुप को लेकर। यही नहीं बल्कि ग्लोबल साइबर यूनिवर्सिटी ने भी अपनी इश्यूज रिपोर्टमेंट निकाली थी और उनका कहना है कि वो किसी भी केपॉप आइडल को मैनिपुलेट नहीं करते, वो बस वहां पर पढ़ाई करवाते हैं। और बीटीएस को लेकर भी उन्होंने यही बोला है कि यूनिवर्सिटी को बीटीएस ने पहले अटेंड किया था, उसके बाद वो फेमस हुए, तो आखिर यूनिवर्सिटी इस तरीके की चीजें कैसे कर सकती है। और उन्होंने ये भी बताया कि प्लीज ऐसी फॉल्स रूमर फैलाना बंद कर दीजिए सेलिब्रिटी स्टूडेंट्स के बारे में, क्योंकि हम अपनी यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करवाते हैं। लेकिन कई सारी आर्मीज को कुछ ऐसे प्रूफ्स मिले हैं जिनके बाद उनका मानना है कि जो ये हाइप की यूनिवर्सिटी है और जो हाइप की कंपनी है, ये कहीं ना कहीं छोटे कम्युनिटीज ग्रुप से जुड़ी हुई है और ये बाकी धर्मों का इंसल्ट करे या बाकी धर्मों की बेइज्जती करके अपना दाहन वर्ल्ड का जो ये धर्म है इसको स्प्रेड करने की कोशिश करे। तो आप मुझे बताओ कि आपका इन सभी रूमर्स के बारे में क्या कहना है। और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।